इस्लामाबाद में बहुत सारे हॉर्स राइडिंग क्लब्स होंगे, लेकिन जो पुलिस सर्विस का हॉर्स राइडिंग क्लब है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल हमारे टीचर्स हैं, जो ना सिर्फ बंदे घोड़ों पे ट्रेन करते हैं बल्कि घोड़े भी ट्रेन करते हैं, तो विच गिव्स अस क्वाइट अ कॉन्फिडेंस कि हम इसको सीख सकें। पुलिस लाइन में जो राइडिंग स्कूल हो यहाँ पे शुरू है, यहाँ पे हम छोटे बच्चों को बड़ों को यहाँ पे राइडिंग सिखाते हैं। इनका असल मकसद ये है कि आवाम और पुलिस के दरमियान जो है ना दोस्ती पैदा करना, आवाम का जो दिल में खौफ है या डर है उसको निकालना। अब आपको कोई ख़तरा नहीं है कि यहाँ पे जो भी घोड़े आपको ये दे रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। मुझे यहाँ पे आते हुए तकरीबन एक हफ्ता हो गया है। मेरे पहले दिन तो मुझे घोड़े पे बैठना भी नहीं आता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दौड़ा भी लेता हूँ। वाइफ और बच्चों के साथ मैंने ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जो इन्होंने अपना जो सैलरी क्लब है ये पब्लिक के लिए खोला है। आई थिंक इससे बहुत सारे जो ताल्लुकात भी बेहतर होंगे पब्लिक और पुलिस के दरमियान, और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। राइडिंग करते वक्त जो है वो घोड़ा जो है वो चार चालों में चलता है। पहली उसकी जो चाल है वो वाक है, दूसरा त्राट, तीसरी कैंटर और चौथी है गल्फ। ये चार किस्मों में हैं, चार चालों में जो घोड़ा जो है ये अपनी पोजीशनें पकड़ता है। पहली हम सबसे पहले जब मेंबर को रेड घोड़े पे बिठाते हैं तो उसको वाक के बारे में बताते हैं, घोड़े पे बैठना, उतरना, किस तरह बैठा जाता है। फिर आस्ता आस्ता एक मंथ में उसको हम पूरा उसका कोर्स जो है वो मुकम्मल करवा लेते हैं, और इसमें 11,000 फीस है। अभी थोड़ी सी कंडीशन इस तरह की रफ़ एंड टफ़ हैं कि आप यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ट्रेनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, हम वी आर इन्जॉइंग इट। पहले मैं कहीं पे कोई पुलिस वाला देखता था, थोड़ा सा एक होता था यार पुलिस वाला, अभी ये है कि ऐसा लगता है जैसे भाई जा रहे हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप जो है वो ख़त्म हुआ है इस इनकी कम्युनिटी सर्विस के बायस। हमने कभी पहले पुलिस वालों से इस तरह बात नहीं की और आज इनके अखलाक को देख के हम भी मुतासर हुए हैं। और ये कि मैं भी सबको कहूँगी कि अपने बच्चों को स्पेशली अब हमारी जनरेशन, क्योंकि ये गैप आ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी और उसकी तरफ और गैजेट्स में लगे होते हैं बच्चे, तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को हॉर्स राइडिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ाए।